नमस्कार, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी दबाओ। नमस्कार, मैं हूं अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिफाइड। वेस्ट बंगाल में रहने वाले मैक्सिमम लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिप दीघा चूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना यह है कि दीघा मतलब छोटा गोवा, और दीघा जाने के लिए मैक्सिमम लोग आरामदायक सफर के लिए ट्रेन चूज करते हैं। आज हम करने वाले हैं रिव्यू दीघा जाने वाले एक ट्रेन का, जो है दीघा सुपर एसी एक्सप्रेस। क्या भाड़े के हिसाब से ये ट्रेन फिट होता है या नहीं, क्या है इस ट्रेन की स्पेशलिटी और क्या है इस ट्रेन में गलत, सब कुछ हम रिव्यू करेंगे इस जर्नी के दौरान। तो फिर चलिए चलते हैं उस ट्रेन में और देखते हैं क्या क्या है स्पेशल और क्या क्या है गलत। सीसी कोच में आपको 3+2 ऐसा सीट मिलेगा। रिलैक्स करके बैठने के लिए यहाँ पे पैर रखने की भी जगह है। आगे की तरफ ये जो है इसे ओपन करके आप यहाँ पे खाना रख के खा सकते हैं या फिर लैपटॉप रख के अपना काम भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 3 सीट के लिए 3 LED लाइट दिया हुआ है, किताब या पेपर पढ़ने के लिए। सीट में बैठने के बाद पहले ही आपको एक पानी का बोतल दिया जाएगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। साइड में ऊपर की तरफ यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। अगर खिड़की से ज्यादा धूप आए तो इसे आप नीचे कर सकते हैं। साइड पे ये वाला बटन प्रेस करके आप चेयर को पीछे की तरफ करके रिलैक्स कर सकते हैं। इस ट्रेन के हर एक कंपार्टमेंट को साफ सुथरा रखने के ऊपर अच्छे से ध्यान रखा जाता है। चलिए अब देखते हैं इस ट्रेन का एवरेज स्पीड। ट्रेन का एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी लंच का टाइम है, तो लंच देने के लिए ये सब क्लीन किया जा रहा है। क्लीन करने के बाद लंच सर्व किया जा रहा है। ये आ गया मेरा लंच, देखते हैं लंच में क्या क्या है। फ्राइड राइस, अचार, ये है चिली चिकन और ये दही। यहाँ पे तो सिर्फ खट्टा वाला दही सर्व किया जा रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे तो मीठा वाला दही चाहिए था। खैर छोड़िए, देखते हैं खाने का क्वालिटी और टेस्ट कैसा है। खाने का क्वालिटी एवरेज है, अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है। अब ये आ गया वन ऑफ माई फेवरेट आइसक्रीम। अब ये देखिए लंच के बाद फिर से क्लीन किया जा रहा है। चलिए ये आ गया रिव्यू लेने के लिए। ये रिव्यू आपको देना होता है अपने फ़ोन नंबर और सीट नंबर के साथ, खाने का क्वालिटी के ऊपर, क्लीननेस के ऊपर, कैटरिंग सर्विस के ऊपर, यहाँ पे आपको रिव्यू देना होता है। ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखा है वो मैंने शूट किया था गोप्रो हीरो 2018 से। अगर आप लोगों को उसका रिव्यू देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और लिंक क्लिक करके गोप्रो हीरो 2018 का रिव्यू देख सकते हैं। इस ट्रेन के रिव्यू में अभी तक हमने आप लोगों को पॉजिटिव पार्ट दिखाया है, अभी हम दिखाएंगे इस ट्रेन का नेगेटिव पार्ट। अगर हम किसी के सर्विस पे खुश होके हम कुछ देते हैं 10 रुपया 20 रुपया, तो उसे हम टिप्स कहते हैं, वो उसे रख लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने 10 रुपया दिया उन्होंने वो लेने से इनकार करती है कि मुझे और चाहिए, आप दोनों को सर्विस दिया है 20 रुपया दीजिए 30 रुपया दीजिए। ये जो करने का तरीका है इस ट्रेन में मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, सच में बताता हूँ। अगर हम कुछ नहीं देते हैं आप लोगों को, मतलब पैसे ही नहीं देते टिप्स, तो भी आप हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये मैंने मेरे फोन से छुप के लिया है। मेरे राइट साइड पे आगे की तरफ 2 सीनियर सिटीजन बैठे थे, उनके पास जब टिप्स मांगने के लिए गया वो दोनों सीनियर सिटीजन उनको 10 रुपया टिप्स दिया था, तो फिर उन्होंने वो टिप्स लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना ये था कि हम आप दोनों को सर्विस दिया है, आप 10 रुपया दे रहे हो, आप थोड़ा ज्यादा दीजिए। ये क्यों कहेगा, 10 रुपया टिप्स दिया है तो उसे रख लेना चाहिए। जब से इन लोगों को सैलरी नहीं दिया जाता है तो फिर ऐसा क्यों। कैटरिंग सर्विस के बाद सफाई का जो डिपार्टमेंट है वो लोग आते हैं टिप्स ले, पर साफ सफाई जो लोग करते हैं उन लोगों का बिहेवियर बहुत पोलाइटली रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात,
आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका रिव्यू आप खुद ही उसमें दे, ये एक वाइटल पार्ट होता है। आप लोगों के रिव्यू के ऊपर बेस करके रेल अपना सर्विस और भी बेहतर करने की कोशिश करता है, नहीं तो फिर ये लोग करते क्या है, आपका एक साइन लेंगे और पीएनआर नंबर लेके वो चले जाएंगे और अपने हिसाब से वो सब गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड बैठा देंगे और रेल को पता ही नहीं चलता कि आपको कुछ खराब लगा है, तो रेल के पास सही रिव्यू नहीं पहुंच पाता। सिर्फ पहाड़िया एक्सप्रेस को छोड़ के बाकी सब ट्रेन ऑल डे रन करता है। ये पहाड़िया एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा तक आते हैं, उसके बाद हावड़ा से दीघा जाते हैं और सिर्फ सैटरडे को ही चलता है। इस ट्रेन की ट्रैवलिंग टाइम बाकी ट्रेनों से ज्यादा है। दीघा जाने वाले सारे ट्रेनों की ट्रैवलिंग टाइम, डिपार्चर टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इन सारे ट्रेनों की टिकट फेयर क्या है। पहाड़िया एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास 140 रुपया, थर्ड एसी 495, फर्स्ट एसी में 1165, तमिलनाडु एक्सप्रेस में 2S 100 रुपीस और सीसी 370 रुपीस। ये एक नॉन एसी ट्रेन है। कांडारी एक्सप्रेस में 2S 100 रुपीस, सीसी 370 रुपीस। ये भी एक नॉन एसी ट्रेन है। अब ये आ गया दीघा सुपर एसी एक्सप्रेस, जिसकी रिव्यू अभी हमने किया है। सीसी में इसका भाड़ा है 575 रुपीस और एसी में 1030 रुपीस और ये एक टोटली एसी ट्रेन है। और सिर्फ इस ट्रेन में ही आपको कैटरिंग सर्विस मिलेगा। और एक बात, अगर आपको कैटरिंग सर्विस नहीं चाहिए तो उधर पे नो फूड कर दीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, आपका जो टिकट प्राइस है 575 रुपीस, उससे 120 रुपया कैटरिंग चार्जेस माइनस हो जाएगा और आपका टिकट प्राइस हो जाएगा 455 रुपीस। और 455 रुपीस के बाद जो 49 पैसा इधर पे दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए है, जो एक बहुत अच्छी बात। इस ट्रेन की इसी कोच का रिव्यू हमने नहीं किया क्योंकि इसी कोच में बाकी सब तो सेम है सीसी की तरह, सिर्फ इसी का जो सीट है वो सीसी से थोड़ा अलग है। सीसी का सीट इस तरफ 3 उस तरफ 2 रहता है और इसी का सीट इस तरफ 2 उस तरफ भी 2 रहता है और आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो गैपिंग रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है और सीट थोड़ा बड़ा होता है।